नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं कटार डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 5, मतलब कि सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमारा इस चैप्टर का सॉलिड स्टेट के 4 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिस किसी ने भी अभी तक ये लेक्चर नहीं देखे वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके इसको एक बार देख लें, ठीक है बेटा। तो आज लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं और लेक्चर 5 में हम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इज दैट क्लियर बेटा? तो देखते हैं इसको। तो जो टॉपिक है हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है बेटा। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मतलब कि इकाई सेल का घनत्व, जो हमारे पास यूनिट सेल होती हैं या एकक सेल जो होती हैं उनके घनत्व को कैसे निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही बेटा? मतलब कि एकक सेल के घनत्व को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि डेंसिटी है क्या। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है हमारा, डेंसिटी बराबर होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इज दैट क्लियर बेटा? सभी को पता है कि डेंसिटी मतलब घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब कि मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालते थे, सॉल्यूशन का घनत्व जब निकालते थे तो उसमें हम क्या करते थे कि मास ऑफ सॉल्यूशन का क्या लेते थे, मास लेते थे और उस और सॉल्यूशन के वॉल्यूम से क्या करते थे, उसको डिवाइड कर देते थे, जिससे हमारे पास क्या निकलता था बेटा, डेंसिटी उसके निकल आती थी। अब उसी तरह से यूनिट सेल, उसी तरह से यूनिट सेल की हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। तो देखिए, हम सभी ने अभी तक यूनिट सेल में ज़्यादातर हमने जो यूनिट सेल पढ़ा है वो पढ़ा है बेटा हमने क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सा पढ़ा बेटा? क्यूबिक यूनिट सेल। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा होता है? तो क्यूबिक यूनिट सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें जो एक्सियल लेंथ जो होती हैं, मतलब कि ए इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू सी, तीनों आपस में बराबर होती हैं और साथ के साथ जो उनके एक्सियल एंगल होते हैं, मतलब कि अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों ही क्या होते हैं, 90 एंगल के होते हैं, ठीक है। जब ये सेल पैरामीटर जिस यूनिट में होते हैं वो कौन सी होती है, हमारी क्यूबिक यूनिट सेल होती है। तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में ए इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू सी, मतलब कि जो एज लेंथ है वो सभी के आपस में बराबर हैं। तो क्या मैं इस क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, क्या हो जाएगा बेटा इसका वॉल्यूम, ए क्यूब। इज दैट क्लियर? ठीक है, वहीं अगर ये यूनिट सेल क्यूबिक ना होकर कोई और भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सेल पैरामीटर के बेस पे हमारे कितने यूनिट सेल होते हैं बेटा, 7 टाइप्स होते हैं। इज दैट क्लियर ना? अगर आपको ए इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू सी नहीं है, मतलब कि उस केस में आपके पास सपोज कीजिए कि ए विच इज़ नॉट इक्वल टू वी विच इज़ नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए बी सी और तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो होगा उसको क्या कर देंगे हम, वो क्या हो जाएगा, ए इंटू वी इंटू सी। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट सेल के वॉल्यूम को हम निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब बात आती है मास, कि यूनिट सेल का मास कैसे निकाला जाए, ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं। तो देखिएगा, मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल का मास कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो यूनिट सेल में हम अभी तक देख पाए हैं, तो यूनिट सेल में हमको या तो लाइन दिखाई देती है या फिर उसमें डॉट दिखाई देते हैं। डॉट का मतलब एटम। इज दैट क्लियर ना? तो जो मास होगा यूनिट सेल में वो किसका मास होगा, एटम का ही मास होगा। इज दैट क्लियर ना? ठीक है, और एटम का मास होगा तो हमको ये पता होना चाहिए कि किसी यूनिट सेल में कितना एटम होता है, कितना एटम प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ एटम। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले अगर हमको मास निकालना है किसी भी यूनिट सेल का तो हमें क्या पता होना चाहिए, रैंक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, रैंक पता होना चाहिए, ठीक है, रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक ऑफ यूनिट सेल। और इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल को ही हम क्या कहते हैं बेटा, कि एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल। इज दैट क्लियर बेटा?
तो रैंक ऑफ यूनिट सेल को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो हमको ये तो पता लग गया कि किसी भी यूनिट सेल में कितना आइटम होगा, उसको हम किससे देखेंगे? रैंक ऑफ यूनिट सेल से देखेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। एससीसी के लिए जो रैंक ऑफ एटम होता है 1 होता है, बीसीसी के लिए मतलब कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो रैंक ऑफ एटम होता है कितना होता है बेटा हमारा 2 होता है, एफसीसी के लिए कितना होता है बेटा 4 होता है, ईसीसी के लिए कितना होता है 2 होता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो रैंक ऑफ एटम को, रैंक ऑफ यूनिट सेल को हम पढ़ के आ चुके हैं। इज दैट क्लियर? या फिर हम कह सकते हैं कि एटम पर यूनिट सेल को भी हम लास्ट पढ़ के आ चुके हैं। अगर आप लोग नए हैं आज इस वीडियो पे, तो आप लास्ट वाले वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिएगा अब सेकंड आती है कि इसमें जो एटम जो है, जो इसमें एटम जो है, उस एटम का मास क्या होगा। इज दैट क्लियर ना? मतलब कि यहाँ पे जो एटम है, सेकंड थिंग हमको क्या देखनी है कि एटम का मास देखना है हमें। ये जो यूनिट सेल में जो एटम होते हैं, उन एटम का हमें को क्या देखना है बेटा? मास देखना है। इज दैट क्लियर? मास देखना मतलब एटम का मोलर मास नहीं देखना, एटम का हमको क्या नहीं देखना बेटा? मोलर मास नहीं देखना। ठीक है, हमको क्या देखना है? हमको मास देखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोलर मास जो होता है वो एक मोल एटम का मास होता है, जबकि यहाँ पे जो एटम होते हैं वो यूनिट में होते हैं। मतलब कि एक एटम मिलेगा या दो एटम मिलेंगे या चार मिलेगा या तीन मिलेंगे, है ना? मतलब कि इसमें जो यहाँ पे जो हमारे यूनिट सेल होता है, उसमें यूनिट सेल में जो एटम होते हैं वो यूनिट है, मतलब कि एक दो तीन चार मिलेगा। लेकिन मोलर मास में जो एटम होते हैं वो किसका, जो मोलर मास जो होता है वो क्या होता है बेटा? एक मोल एटम का मास होता है। इज दैट क्लियर? मतलब कि मोलर मास क्या होता है हमारे पास? तो मोलर मास जो होता है वो एक मोल के बराबर, एक मोल एटम के बराबर। तो एक मोल का मतलब क्या होता है? 6.023 × 10³ एटम। इज इट क्लियर? इनटू क्या हो जाएगा? मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, और 6.023 × 10³ को हम क्या बोलते हैं बेटा? अवोगाड्रो नंबर। तो क्या हो सकता है कि मोलर मास इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम अवोगाड्रो नंबर, Na इंटू मास ऑफ एटम, वन एटम, मतलब कि एक एटम का मास। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? वन मोल एटम। ठीक है, और ये क्या है? मोलर मास। ठीक है, अब यहाँ से अगर मुझे एक एटम का मास निकालना हो, एक एटम का मास, तो मास ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा बेटा? मोलर मास डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। ये क्या हो गया? एटम का मास हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? कोई दिक्कत यहाँ से आपको? ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। हमारे पास एक एटम का मास आ चुका है, रैंक ऑफ एटम हमको पता ही है, और वॉल्यूम हमारे पास हमको पता ही लग गया। ठीक है, क्यूबिक होगा तो ए क्यूब लग जाएगा वॉल्यूम, और क्यूबिक नहीं होगा तो उसकी जो एज लेंथ होंगी उसके हिसाब से लग जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा डेंसिटी के लिए? तो उसके लिए देख लेते हैं। देखिएगा डेंसिटी लेके क्या बन जाएगा डेंसिटी के लिए? तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसको हम किससे दिखा देते हैं बेटा? इसको रो से प्रेजेंट कर देते हैं। तो रो इजल टू क्या हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मास का मतलब क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ यूनिट सेल, मतलब कि कैपिटल जेड इंटू वन एटम का मास क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। तो मोलर मास डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, और क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास हम लिख चुके हैं, वॉल्यूम बचा हुआ है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे? कैपिटल वी। तो हमारे पास डेंसिटी बराबर क्या आ गया? डेंसिटी बराबर हो गया हमारे पास कि रैंक ऑफ यूनिट सेल इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम, और एन ए मतलब अवोगाड्रो नंबर। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, डेंसिटी वाला, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी एग्जाम इस डेंसिटी वाले फॉर्मूले से पूछे जाएंगे। मतलब किसी किसी क्वेश्चन में आपको डेंसिटी पूछ लेगा, या किसी में सिंपल आपको मोलर मास पूछ लेगा, या किसी में आपको वॉल्यूम पूछ लेगा, या फिर किसी में आपको रैंक ऑफ क्या पूछ लेगा? एटम पूछ लेगा, या किसी किसी में पूछ लेता है कि उस यूनिट सेल की शेप कैसी होगी। तो शेप को कैसे पता करेंगे? कि वो किससे पता लग जाता है? रैंक ऑफ एटम से। ठीक है, जो हमारे पास एटम पर यूनिट सेल जो होता है, उससे हमें क्या पता लग जाता है? यूनिट सेल की शेप की पता लग जाता है। जैसे कि अगर जेड इज इक्वल टू कितना आता है? 1 आता है, इसका मतलब क्या है हमारा? एससीसी है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अगर जेड इज इक्वल टू कितना आता है? 2 आता है, तो इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। अगर जेड इज इक्वल टू कितना आता है बेटा हमारे पास? 4 आता है, इसका मतलब
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरह से आपको ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखो बेटा, लास्ट लेक्चर तक हम पैकिंग को समझ चुके थे और पैकिंग में हमने दो वर्ड पढ़े थे उसमें। एक तो पढ़ा था हमने टेट्राहेड्रल बॉयड, एक पढ़ा था हमने ऑक्टाहेड्रल बॉयड, मतलब कि चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति को पढ़ा था। इज दैट क्लियर ना बेटा? एक पढ़ा था हमने टेट्राहेड्रल बॉयड, क्या पढ़ा था बेटा? टेट्राहेड्रल बॉयड। जिसको क्या बोलते हैं हम, चतुष्फलकीय रिक्ति, और एक हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जिसको बोलते हैं हम अष्टफलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। इज दैट क्लियर? अब कभी कभी क्वेश्चन इसमें यह पूछ लिया जाता है कि सरल घनीय एकक सेल या फिर काय केंद्रित घनीय एकक सेल या फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। जैसे तो देखिएगा इसमें, जैसे कि आपसे बोलते हैं SCC, ठीक है, BCC या फिर FCC, इनमें चतुष्फलकीय रिक्ति, जिसको हम लिख लेते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति को, मैं लिख देता हूँ T से, मतलब कि टेट्राहेड्रल वॉइड, और अष्टफलकीय रिक्ति मतलब कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इज इट क्लियर बेटा? बात समझ नहीं आपको? मतलब कि मैं आपसे बोलूँ कि सरल घनीय एकक सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जैसे हम किससे दिखाते हैं बेटा, SCC से दिखाते हैं। इज दैट क्लियर? तो SCC में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपसे पूछा जाए कि BCC मतलब कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे कहते हैं काय केंद्रित घनीय एकक सेल, ठीक है, इसमें आपसे पूछे कि टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी। ऐसे ही आपसे पूछा जाए FCC मतलब कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे कहते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक सेल, इसमें आपको पूछे टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब कि चतुष्फलकीय रिक्ति और ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या पूछे, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल होता है, देखिएगा। तो जो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती हैं, हमारी जो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती हैं, वो बराबर होती है हमारी रैंक ऑफ एटम के, रैंक ऑफ एटम, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको को एटम पर यूनिट सेल, ठीक है, एटम पर यूनिट सेल के बराबर होती हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती है हमारी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती हैं, वो होती है हमारी ट्वाइस ऑफ, मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके, जेड के। इज दैट क्लियर बेटा? मतलब कि चतुष्फलकीय रिक्ति जो होती हैं वो क्या होंगी हमारी, जेड, और अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती हैं, जेड, मतलब 2 × Z। इज दैट क्लियर बेटा? मतलब कि सॉरी, इसको क्या करेंगे, सॉरी ये नहीं होता, इसका टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती हैं वो 2 × क्या होता है, एटम पर यूनिट सेल, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, जेड, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिए, ठीक है बेटा, कि टेट्राहेड्रल वॉइडों की संख्या कैसे पता लगेगी कि 2 × Z, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब क्या होता है, जेड, मतलब कि जितना रैंक ऑफ एटम होगा या फिर हम बोल सकते हैं एटम पर यूनिट सेल होगा, उतनी ही उसमें अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी, और जितना उसमें क्या होगा, एटम पर यूनिट सेल होगा उतना ही, और उसका जस्ट डबल कर दिया जाए तो क्या आ जाती है, टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाती है। चलो इसको समझ लेते हैं। तो SCC में हमारे पास, SCC में जो एटम की रैंक होती है वो कितनी होती है बेटा, 1 होती है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगे इसमें,
टू हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेट्राहेड्रॉन क्या कहती है कि टू इंटू जेड, और जेड कितना होता है सीसी के लिए, वन होता है, तो कितना हो जाएगा टू। जबकि ऑक्टाहेड्रल क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल जो होती है वो जस्ट किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है बेटा, किसके रैंक के बराबर होती है, और एस सी सी में जो एटम की जो रैंक होती है वो कितनी होती है, वन, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितनी हो जाएंगी उसमें, वन हो जाएंगी, ठीक है बेटा। चलिए अब बी सी सी के लिए समझते हैं, तो बी सी सी के लिए रैंक जो होती है एटम की वो कितनी होती है बेटा, टू होती है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितनी हो जाएंगी, टू इंटू जेड, मतलब कि टू इंटू टू, क्योंकि जेड इज इक्वल टू कितना होता है बी सी सी के लिए, दो, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, फोर, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के लिए कितना हो जाएगा ये, टू, ठीक है बेटा। और एफ सी सी के लिए जो हमारा रैंक होता है एटम का वो कितना होता है बेटा, फोर होता है, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू फोर इज इक्वल टू कितना हो गया, एट, और यहाँ पे क्योंकि जो रैंक ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होती है वो किसके बराबर होती है, एटम की रैंक के बराबर, तो एटम कितने होते हैं, जो रैंक होती है कितनी होती है, फोर, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितनी हो गई, फोर हो गई, ठीक है बेटा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये आपका काफ़ी यूजफुल रहेगा, ये वाली चीज़ आप जरूर याद रखिएगा, ये वाली कि टेट्राहेड्रल वर्ड जो होती हैं वो यूनिट, वो एटम पर यूनिट जो होते हैं हमारे उसके जस्ट डबल होती हैं, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, एटम पर यूनिट सेल के बराबर होती है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चनों को करके देखते हैं, ठीक है बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, तो आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको कहता है कि एक घनीय संरचना वाला यौगिक, एक घनीय संरचना वाला यौगिक है, मतलब कि क्यूबिकल शेप का एक क्या है आपका, एक कंपाउंड है जो ए तथा बी से मिलकर बना हुआ है, ए तथा बी से, मतलब एक ए और बी से मिलकर बना हुआ है, कहता है कि इनमें ए परमाणु घन के कोनों पर है, जो ए परमाणु जो है वो कहां पर प्रेजेंट है, घन के कोनों पर प्रेजेंट है, मतलब ये कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे, इज दैट क्लियर बेटा, और जबकि जो बी परमाणु है वो फलक के केंद्र पर है, मतलब ये जो बी परमाणु है वो कहां पर है, फलक के केंद्र पर, फेस सेंटर पर, ठीक है, फलक के केंद्र पर है, इज दैट क्लियर बेटा। तो कहता है कि यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए, क्या कहते हैं बेटा इसमें, यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए, तो देखिएगा ए कहां पर है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ए जो है कॉर्नर्स पे, तो किसी भी क्यूब में जो ए, जो कॉर्नर्स जो होते हैं कितने होते हैं बेटा, एट कॉर्नर्स होते हैं, और लास्ट हमने लेक्चर में जो बता चुके हैं कि किसी भी क्यूब का जो एक कॉर्नर जो होता है उस, वो कॉर्नर आठ क्यूब के लिए कॉमन होता है, और उस कॉर्नर पे रखा हुआ एटम का खुद के यूनिट सेल के लिए कितना पार्ट होता है, 1/8 पार्ट होता है, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा, 1/8, ठीक है, इंटू बी, बी कहां पर है बेटा, फेस सेंटर, मतलब फलक के केंद्र पर है, तो किसी भी घन में कितने फलक होते हैं बेटा, 6 फलक होते हैं, ठीक है, और किसी भी घन का एक फलक जो होता है वो दो क्यूब के लिए, दो घन के लिए क्या होता है, कॉमन होता है, इज इट क्लियर, और उस फलक पे रखा हुआ जो एटम होता है उसका खुद के यूनिट सेल के लिए कितना पार्ट होता है, 1/2 पार्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, 6 × 1/2, तो इसके काटेंगे तो कितना हो गया, 3, और ये 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, AV3, इज इट क्लियर बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, AV3, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख लेते हैं, ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पे होगा, ठीक है, तो देखिए समझिए इसको, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को क्या कहता है, पढ़िए जरा फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है कि फलक केंद्रित घनीय जालक की एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को बताइए, मतलब कि आपसे बोला गया है कि एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल आपको बताने हैं, किसमें, फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में, मतलब कि एफसीसी में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपको क्या बताना है, एटम पर यूनिट सेल बताना है, तो बेटा ये तो बहुत ज्यादा इजी है, कितना होता है,
फोर होता है। कैसे निकला फोर इसमें, तो देखिएगा एफ सी सी में जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। और कितने कॉर्नर्स होते हैं किसी क्यूब में, एट। और उस क्यूब में जो कॉर्नर का एटम होता है उसका खुद के लिए कितना पार्ट होता है, 1/8 पार्ट होता है, ठीक है। और साथ के साथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर पे, फेस सेंटर पे। तो भैया फेस कितने होते हैं क्यूब में, 6 फेज होते हैं, और हर एक फेज जो होता है वो 2 क्यूब के लिए कॉमन होता है, और उस पर रखा हुआ फेस सेंटर पर रखा हुआ एटम भी 2 क्यूब के लिए कॉमन होता है, तो खुद के लिए उसका कितना पार्ट होता है, 1/2। तो क्या हो जाएगा, 6 × 1/2, तो कितना आता है बेटा, 3। तो टोटल कितना एटम हो गया, 4। इज दैट क्लियर बेटा। चलिए तो आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट से, है ना। तो आपके स्क्रीन के सामने होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी, तो आप समझते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक यौगिक 2 तत्वों x और y से निर्मित है। मतलब कि एक यौगिक है जो 2 तत्वों किसके से, एक x से और एक y से मिलके बना हुआ है। तो y तत्वों के परमाणुओं से CCP बनता है। क्या बनता है बेटा, CCP। तो लास्ट हम जब हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी, उसके बाद पैकिंग जब पढ़ी थी तब हमने 3D पैकिंग में पढ़ा था CCP। इज दैट क्लियर, क्या पढ़ा था बेटा, CCP, जिसका मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस क्लोज पैकिंग, बात एक ही होती है। इज दैट क्लियर ना, फेस क्लोज पैकिंग या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बात एक ही होती है। तो जो हमारा वाई परमाणु है, ये जो वाई परमाणु है वो कहाँ पर है, CCP में है। कहाँ पे है, CCP में है, मतलब CCP बनाता है। इज दैट क्लियर। और एक्स तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्ति में भरे जाते हैं। मतलब कि जो ये जो एक्स है वो कहाँ भरा जाता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। किसमें, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। इज दैट क्लियर। तो आपसे कहता है कि यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। तो हमने बताया कि CCP ही क्या होता, हमारा FCC होता है, ठीक है। तो FCC में जो हमारा रैंक जो होती है एटम की वो कितनी होती है बेटा, 4 होती है। इसका मतलब जो Y जो होगा वो कितना होगा, 4। Y के एटम कितने होंगे बेटा, 4 होंगे, ठीक है। क्योंकि हमको क्या बोला गया है, Y जो है वो क्या बनाता है, CCP बनाता है, ठीक है। CCP मतलब FCC, ठीक है। तो Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि एटम कितने होते हैं, 4, तो Y 4। और X जो है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करता है। X जो है वो किसको कवर करता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करता है। तो हमने लास्ट आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड वर्क किसके बराबर होती है, रैंक के बराबर ही होती है, एटम की रैंक के बराबर। तो भाई देखिए, जब एटम की रैंक 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितनी होंगी, 4, ठीक है। इसको कट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आएगा, XY। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, X और Y, ठीक है बेटा। चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि तत्व V के परमाणु HCP जालक बनाता है। तत्व V जो है, तत्व V के जो परमाणु हैं वो क्या बनाते हैं बेटा, HCP। मतलब V जो है वो क्या बनाता है, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। इज दैट क्लियर। उसके बाद कहता है तत्व ए जो है, तत्व ए के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्ति को भरते हैं। मतलब कि तत्व ए जो है, ठीक है, उसके जो परमाणु हैं वो किसको, वो टेट्राहेड्रल वॉइड के कितने पार्ट को, 2/3 पार्ट को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, घेर भरते हैं। तो कहता है कि ए तथा बी द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र को बताइए, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP के लिए जो हमारा रैंक जो होता है, रैंक जो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा 6। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, HCP के लिए जो रैंक होती है वो कितनी होती है, 6। मतलब HCP के लिए एटम पर यूनिट सेल जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। इज दैट क्लियर, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, एटम पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 6। तो V तो हमारे पास कितने हो जाएगा,
सिक्स, क्योंकि वी में जो एटम होंगे कितने होंगे, हो जाएंगे सिक्स, ठीक है। उसके साथ साथ ए जो कहता है, ए जो है वो कहाँ पर है भाई, ए जो है टेट्राहेड्रल वर्ल्ड को कवर करता है उसका 2/3 पार्ट को। इसका मतलब हमने लास्ट पढ़ा था कि जो टेट्राहेड्रल वर्ल्ड जो होती है उसकी जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, ट्वाइस ऑफ जेड, जो एटम की रैंक जो होती है, ठीक है। तो रैंक हमारे पास कितनी है, सिक्स, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा बेटा ए, कितना हो जाएगा 2 into, तो टेट्राहेड्रल वर्ल्ड देख लेते हैं, 2 into 6 कितना हो गया 12, तो टेट्राहेड्रल वर्ल्ड हो गया हमारे पास 12, और उसका कितना पार्ट है 2/3, तो इंटू 2/3, इस 6 को कट करेंगे तो कितना हो गया ये 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा a8 v6, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो क्या बनता है बेटा यहाँ पे फॉर्मूला हमारा a4 और v3, तो हमारा आंसर क्या हो गया a4 v3, ठीक है बेटा। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है कि एक घनीय ठोस 2 तत्वों पी एवं क्यू से बना है, मतलब कि एक घनीय ठोस है, एक क्यूबिक क्या है हमारे पास सॉलिड है, जो किससे मिलके बना हुआ है, जो हमारा P एवं Q से, मतलब P और Q से मिलके बना हुआ है। तो कहता है घन के कोणों पर Q परमाणु है, मतलब Q परमाणु जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे, ठीक है। जबकि P जो है वो कहाँ पर है, अंतः केंद्र, मतलब बॉडी सेंटर में, ठीक है। तो कहता है कि इस यौगिक का सूत्र क्या है, तो सबसे पहले इसका सूत्र समझ लेते हैं। तो भाई देखो बॉडी सेंटर में है, तो भाई किसी भी यूनिट सेल का बॉडी सेंटर एक ही होता है और वो किसी के लिए कॉमन नहीं होता। इसका मतलब जो एटम होगा बॉडी सेंटर का वो एक ही होगा। इसका मतलब पी जो होगा वो कितना होगा बेटा, 1 होगा। और क्यू कहाँ पर है हमारा, कॉर्नर्स पे, कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे। तो किसी क्यू में कॉर्नर्स कितने होते हैं बेटा, 8। कॉर्नर्स कितने होते हैं बेटा हमारे, 8। और हर एक कॉर्नर का खुद की यूनिट सेल में कितना पार्ट होता है, 1/8। तो क्या हो जाएगा, 8 into 1/8 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी क्यू। तो ये तो आ गया हमारा फॉर्मूला, आ गया पी क्यू। अब उसके बाद कहता है पी एवं क्यू की उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में ही हमने आपको सिखाया है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ SCC, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ VCC और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC, ठीक है। तो क्योंकि हमारा ये कहाँ पर है, अंतः केंद्र पे है और कॉर्नर्स पे है, मतलब कि जो हमारा यूनिट सेल है कुछ इस तरह से है ये, कि जिसमें एटम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, कॉर्नर्स पे, मतलब क्यू जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। और जबकि जो पी जो है वो कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर में। तो जरा आप खुद सोच के बताइए कि कौन सा है ये हमारा, कौन सा यूनिट सेल है ये हमारा, तो ये कौन सा हमारा, BCC, ठीक है। तो BCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है, तो कल हमने बताया था कि BCC के लिए कोऑर्डिनेशन संख्या जो होती है उसके लिए 2 केस होते हैं। पहला केस होता है किसके रेस्पेक्ट में, बॉडी सेंटर के रेस्पेक्ट में। तो बॉडी सेंटर के रेस्पेक्ट में भी कोऑर्डिनेशन हमारा कितना होता था, 8 होता था, ठीक है। और कॉर्नर्स के रेस्पेक्ट में भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था, 8। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, उपसहसंयोजक संख्या जो होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना होगा बेटा, 8 होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए तो फटाफट से अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक यौगिक 2 तत्वों M तथा N से बना है, मतलब कि M और किससे मिलकर बना हुआ है, N से मिलकर बना हुआ है। तो उसमें कहता है तत्व N CCP संरचना बनाता है, तत्व N जो है वो क्या बनाता है, CCP स्ट्रक्चर बनाता है। इज इट क्लियर। और M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के, M के जो परमाणु हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड कि कितने पार्ट को कवर करता है भाई, 1/3 पार्ट को, 1/3 भाग को क्या कर लेता है वो, घेर लेता है या अध्यासित कर लेता है। तो कहता है यौगिक का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा बड़ा सिंपल है, CCP का मतलब हमने क्या बताया, FCC, और इसके लिए रैंक ऑफ एटम कितना होता है, Z कितना होता है बेटा, 4 होता है। इज इट क्लियर। तो N जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे,
ठीक है। अब m कितना होगा तो देखिएगा, m के लिए देखो कैसे करेंगे, हमने अभी पढ़ा था आपको कि टेट्राहेड्रल वर्ड बराबर क्या होता है कि ट्वाइस ऑफ z, मतलब कि रैंक जो होती है एटम की, है ना। तो देखिएगा टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू जेड कितना है सीसीपी के लिए 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा ये 8 हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो मतलब कि m में जो एटम है, टोटल जो एटम है वो कितने हो जाएंगे 8, उसका कितना पार्ट है 1/3, तो इंटू क्या हो जाएगा ये 1/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा m 8/3 और n 4, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा ये m 8 और n 4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 में कितना हो जाएगा 12, इसको कितने से 4 से इसको डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा ये m 2 n 3, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या बना बेटा m 2 n 3 फॉर्मूला बना, इज दैट क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको बेटा, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, हमारे पास जो n था वो CCP स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि जो m जो है n बनाता है CCP, m जो है वो टेट्राहेड्रल वर्ड के 1/3 पार्ट को कवर करता है। तो CCP का मतलब FCC, जिसमें z कितना होता है 4, तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितनी हो जाएंगे उसकी जस्ट डबल, कितनी हो जाएंगी 8, और 8 का कितना पार्ट है 1/3, तो m इंटू 1/3 और n कितना हो गया 4, इज दैट क्लियर। इसको इससे कट करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा m 2 n 3, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं आप, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि एक अष्टफल की रिक्ति, एक अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या आर, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड की जो त्रिज्या है वो कितनी हो आर हो, और निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या कितनी हो कैपिटल आर हो, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या करो संबंध स्थापित करो, ठीक है बेटा। रिलेशन आपको पूछा है स्मॉल आर और कैपिटल आर में, कैपिटल आर जो है वो निविड़ संकुलन मतलब क्लोजो पैकिंग है, ठीक है, उसको फॉर्म करता है, और जबकि जो हमारे पास स्मॉल आर जो है वो किसमें ऑक्टाहेड्रल की रिक्ति की क्या है त्रिज्या है। चलो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है एक एक निविड़ संकुलन, एक क्लोज पैकिंग है क्यूब में, जिसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो कहा है हमारा, ये क्या है हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड अष्टफल की रिक्ति, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है क्लोजली पैक है, तो एटम क्या होंगे एकदम टच करेंगे एक दूसरे को, तो एक एटम हमने ये रख दिया, उसके बाद एक एटम हमने ये रख दिया, और एक एटम हमने ये रख दिया कुछ ऐसे, ठीक है, और एक एटम हमने कुछ ऐसे रख दिया, ठीक है बेटा, ठीक। मतलब कि जो हमारा ये जो है वो क्या है हमारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड, इज इट क्लियर बेटा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड की जो रेडियस होगी, ये इसकी जो रेडियस है वो कितना है स्मॉल r, जबकि जो हमारी निविड़ संकुलन है जो क्लोज पैकिंग है उसकी रेडियस कितनी हमारी कैपिटल r, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी यहाँ की जो रेडियस होगी वो क्या होगी स्मॉल r होगी, और ये जो रेडियस होगी इसकी वो कैपिटल r होगी, इज इट क्लियर। तो ये वाली भी रेडियस क्या होगी कैपिटल r, और ये रेडियस भी क्या होगी कैपिटल r होगी, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं हम बी, उसको मान लेते हैं सी। तो हमारे पास क्या बन गया बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, समकोणीय त्रिभुज बन गया, और ये एंगल कितना होगा इसका 90 एंगल होगा, ठीक है। जब 90 एंगल होगा इसमें तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दी जाए तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वी स्क्वायर इज और प्लस क्या हो जाएगा वी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर मतलब आर आर क्या हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर बराबर ए बी का मतलब R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल r और कैपिटल R का होल स्क्वायर इज दैट क्लियर। इसको खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 2R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। इस 2 से इसको काट दीजिए कितनी बार जाएगा 2R, तो क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर,
ठीक है, रूट को हटाएंगे, यहाँ रूट ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये रूट टू आर इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है बेटा, इस आर को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, रूट टू आर माइनस के आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है बेटा, यहाँ से स्मॉल आर को कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, रूट टू माइनस वन इंटू आर, जब यहाँ से आप कैपिटल आर को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू माइनस के वन। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.414 माइनस के वन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, इसको माइनस कर दोगे तो 0.414 आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो ये क्या आ गया हमारा, कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या आ गई, रिलेशन आ गई। इज दैट क्लियर? और यही हमसे पूछा था कि कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या निकालिए, संबंध को स्थापित कीजिए। एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं, ये हमारे पास एक क्या है, क्लोज पैकिंग है, जिसमें ये क्या है हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड और जो ये क्या है उसके एटम है क्लोज पैकिंग के। ठीक है, क्लोजली पैकिंग है, इसका मतलब क्या होगा, एटम एक दूसरे को टच करेंगे, जब टच करेंगे तो ये एटम भी आपस में टच करेंगे, तो जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रेडियस थी वो स्मॉल आर थी, जबकि जो अदर जो हमारे पास एटम थे सीसीपी के उनकी जो परमाणु की त्रिज्या थी वो क्या थी हमारी बेटा, कैपिटल आर। तो इसकी कैपिटल आर रेडियस, इसकी भी कैपिटल आर रेडियस। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी कैपिटल आर हो जाएगी और इसकी भी डिस्टेंस कैपिटल आर हो जाएगी। इज इट क्लियर? यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोणी त्रिभुज बन जाता है, जिसमें क्या लगा देंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वैल्यू लगा दीजिए, ए सी मतलब आर और आर, टू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वी मतलब आर और स्मॉल आर, ए वी की लेंथ वाइज क्या है आर प्लस स्मॉल आर, तो आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस वी सी का मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर का होल स्क्वायर, तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर को खोल देंगे तो फोर आर स्क्वायर और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है दोनों से, तो क्या हो जाएगा ये टू आर प्लस आर का होल स्क्वायर, टू से काट देंगे तो टू आर स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास रेडियस कितने, मैक्स रिलेशन क्या आ जाएगा, 0.414 आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो इस तरह से बेटा आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, जय श्री राधे बेटा।